यो वेलकम बैक गाइस, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले कि इन टेस्ट सिचुएशन में हम 1v4 क्लचेस कैसे कर रहे। और अगर आपने मेरा क्लच कंपाइलेशन नहीं देखा होगा तो जल्दी से जल्दी जाके देख लो, आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्लचेस मिल गए। तो पहला क्लच हमारा मिल्टा पावर के पास है। यहाँ पर हमारे पीछे तीन तीन बंदे लग जाते लेकिन हमें एक एम मिलते। यहाँ पे हम किसी लेने लगते और यहाँ पे हम नॉकआउट कर देते और फिनिश भी कर देते। अगर आपके ऊपर भी ऐसे ऑन द स्कॉट पुश कर रही हो तो पहले टीपी पी लो, फिर देखो कितने प्लेयर आ रहे। फिर आपको बस डैमेज देना है, अंदर आना है, डैमेज देना है, अंदर आना है। वैसे आप तीनों को भी मार सकते हो इजीली। और क्लचेस करते हो आपको अपने एम पर और क्रॉस हेयर प्लेसमेंट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए मैं ड्रिल्स दिखा देता हूँ अभी। पहले तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है और ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करने और स्टैंडर्ड सेटिंग में जाकर कस्टमाइज का ऑप्शन क्लिक करो और 90 को हटा दो और 60 को हटा दो, 40 तक ही रखो। हेल्थ ऑफ टारगेट 251 रखो, मूवमेंट ऑफ स्पीड भी 251 रखो, हेलमेट और आर्मर का लेवल भी 33 कर दो और इफेक्टिव पार्ट्स ऑल पर ही रखो और स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद आपको सिर्फ ट्रेस करना है उनको, मतलब जो पुतले अभी घूमने वाले, और क्रॉस हेयर ऐसा लगो कि हेड पर ही शॉट्स लगे ताकि आपका मतलब कभी भी फाइट लोगे तब हेड पर ही आपका एम रहे। और जो 40 मीटर वाला पुतला है उस पर आपको कोपिंग करके शॉट्स लेना ताकि आपकी एडीएस एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। ये ड्रिल्स करके आपका क्लोज रेंज एकदम खतरनाक हो जाएगा। और जो बाकी बताते हैं कि ये ड्रिल्स करो वो ड्रिल करो, कुछ फायदे के नहीं है, आपका टाइम वेस्ट कर रहे। आप सिर्फ ये ड्रिल बहुत प्रैक्टिस कर दो फिर आप ही आपके गेम प्ले में चेंजेस देखोगे। तो ये वाला हमारा सेकंड क्लच है, आप क्लच देख लो। अरे भेंडी जाना। तो इस वाले क्लच में पहले हमने प्योर 1v1 करके एक को नॉक कर दिया और दूसरा आ रहा था उसको भी 1hp किया था। यहाँ पर मेरे प्रिपेयर के वजह से वो 1hp होता है। 1hp होने के बाद मैं सीधा पुश कर देता हूँ, उसको भी नॉक कर देता हूँ। फिर ऊपर एक ही बंदा होता है और उस बंदे को भी हम इजिली मार देते हैं हमारे क्लोज रेंज के वजह से। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि आपको 5-6 ड्रिल से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अपने क्रॉसर प्लेसमेंट और एडीएस फाइट में ज़्यादा ध्यान दो, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो, तभी आप क्लोज रेंज में खतरनाक बन पाओगे। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो।